स्कॉलरशिप के वीडियोस हमारे चैनल पर रखना शुरू किया, तब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया कि सर क्या मैं सारी स्कॉलरशिप में एक साथ अप्लाई कर सकता हूं और मुझे कौन से स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल्स बताने वाला हूँ, स्कॉलरशिप का पूरा सच बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस करना। यस दोस्तों, मेरा नाम है प्रियेश पटेल, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है प्रिय सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल के ऊपर। अब सबसे पहले अगर आपके ट्वेल्थ के अंदर 80 PR से ज्यादा है ना, चाहे आपके साइंस के PR हो कि ऑल ओवर PR हो, 80 PR से आपके ज्यादा है कोई भी, तो आपको अप्लाई करना चाहिए MYSY स्कॉलरशिप को ही। MYSY स्कॉलरशिप एक ऐसी स्कॉलरशिप है जिसको पाने के लिए स्टूडेंट्स को उनकी कॉलेज भी सपोर्ट करती है। उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कोई क्राइटेरिया नहीं रहता है और कोई क्राइटेरिया भी नहीं देखे जाते हैं, और बहुत इजीली आपको जो स्कॉलरशिप मिल जाती है अगर 80 PR से आपके ज्यादा है तो वो होती है MYSY स्कॉलरशिप। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बताऊंगा कि आप MYSY स्कॉलरशिप में ही अप्लाई करना। अगर आपको पता नहीं है क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे अप्लाई करना, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप आराम से MYSY का पूरा वीडियो देख लेना। ये पहली बात, MYSY कौन से स्टूडेंट्स को नहीं मिलती, तो वो गवर्नमेंट स्टूडेंट को नहीं मिलती क्योंकि उसमें रूल है ना कि भाई कॉलेज की फीस का आधा या फिर 50,000 जो सबसे कम होता है वो, तो आप कॉलेज की फीस का आधा करोगे 1500 का आधा 750, अब 750 लेने कौन जाए, गर्ल्स के लिए तो वैसे भी फ्री रहता है, तो अगर आपने फीस भरी है तो उसकी आधी फीस या फिर 50,000 जो भी कम होता है वो आपको मिलता है। तो गवर्नमेंट वाले भूल जाओ, TFWS वाले भूल जाओ, MYSY आपको अदर खर्चे के लिए नहीं मिलती है, कॉलेज की फीस के ऊपर ही मिलती है। मतलब सर मैं मैश में खाना खा रहा हूं या फिर मैं हॉस्टल में ले रहा हूं या फिर मैं PG में ले रहा हूं, तो वो खर्चा आपको मिलता नहीं है। अगर आपको MYSY स्कॉलरशिप मिलती है तो 99% चांस ऐसे ही होते हैं कि दूसरी स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, आपको वो नहीं मिलती है ना, क्योंकि सारी स्कॉलरशिप अगर आपको एक ही स्टूडेंट को मिल जाए तो फिर स्कॉलरशिप का नाम ही हट जाए। स्कॉलरशिप का मतलब क्या है, जितने भी जरूरत वाले और जितने भी वैलिड स्टूडेंट्स हैं उन सबको वो स्कॉलरशिप मिले ताकि वो अपनी पढ़ाई और अच्छे से कर पाए। तो अगर आप MYSY में अप्लाई कर रहे हो वो आपको आराम से मिल रही है, तो बाकी किसी भी स्कॉलरशिप में अप्लाई करने की आपको जरूरत नहीं है। सबसे पहला फंडा MYSY में भी जो रूल्स थे वो मैंने आपको बता दिया। अब अगर आप MYSY के लायक नहीं हो, मतलब आपके 80% नहीं हो रहे हैं या फिर कॉलेज की फीस आपने नहीं भरा, ऐसा कुछ भी है, गवर्नमेंट में हो, तो अदर जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप रहती है जिसके वीडियोस हम यहाँ पे बना रहे हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। उसमें भी मोस्ट प्रोबेबली रूल्स ऐसे रहते हैं कि कोई एक स्कॉलरशिप में आपको अप्लाई करना होता है, मतलब एक स्कॉलरशिप आपको मिलती है, लेकिन उसमें भी मैं सर जिसमें अप्लाई करूं वही मुझे मिल जाए वो तो क्वेश्चन मार्क है। तो मैं आपको ऐसा बोलूंगा कि वो सारी स्कॉलरशिप में आप अप्लाई कर सको, उसमें से कहीं पे एक में आपका नंबर लगेगा या फिर ना भी लगे, है ना। लास्ट ईयर भी जब स्कॉलरशिप के वीडियो बनाए थे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, तो हर एक को स्कॉलरशिप नहीं मिली थी, है ना, हर एक को स्कॉलरशिप नहीं मिली थी। वो नहीं भी मिलती ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं इंडिया के, कितने लोगों को कितने लोग स्कॉलरशिप देंगे, ठीक। तो हर एक स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं भी मिलती, तो आपको अप्लाई करना है, आपको ट्राई करना है, अगर उनके क्राइटेरिया में आप फिट बैठते हो तब जाके आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो गुजरात के स्टूडेंट्स जो है उनको तो मैं पहले यही बोलता हूँ कि अगर आप MYSY के क्राइटेरिया में आते हैं तो वही स्कॉलरशिप ले लीजिए, बहुत इजी होती है और आराम से आपको मिल जाती है। कॉलेज आपको उसमें बहुत अच्छा सपोर्ट करती है, प्राइवेट कॉलेज तो उसमें सबसे ज्यादा आपको सपोर्ट करती है ना, गवर्नमेंट में थोड़ा सपोर्ट नहीं होता, लेकिन वो आप आराम से कर सकते हो, कोई करना नहीं होता, फॉर्म भरना होता है, मैं आपको पूरा फॉर्म भरना सिखाऊंगा जब भी नोटिफिकेशन आएगी तब। तो यूट्यूब चैनल पे बने रहना, हमारी व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, उसमें जुड़ जाना ताकि आपकी एक भी अपडेट वहां पे कहीं पे छूटे नहीं, ठीक है। तो आई होप अब स्कॉलरशिप का आपका फंडा क्लियर हो चुका होगा। स्कॉलरशिप में जहां कहीं पे भी आपको कोई डॉक्यूमेंट में पता नहीं चलता, तो जो भी हम वीडियोस बनाते हैं उसमें जो नीचे लिंक रहती है वो लिंक में जब आप क्लिक करोगे तब वहां पे हेल्पलाइन नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ अवेलेबल रहते हैं। आपको उस हेल्पलाइन नंबर पे गिवन टाइमिंग में कॉल करना रहता है, उस ईमेल आईडी पे आप मेल भी कर सकते हो और वहां से आपको रिप्लाई मिलता है और उसको आपको फॉलो करना है। तो हेल्पलाइन नंबर उस लिंक के अंदर ही गिवन रहते हैं है। तो ये वीडियो आपके मैक्सिमम फ्रेंड्स में शेयर कर देना ताकि MYSY वाले गलत स्कॉलरशिप में पढ़े नहीं, गलत स्कॉलरशिप तो मिले भी नहीं और MYSY भी चली जाए, तो ऐसा नहीं हो। और बहुत सारी स्कॉलरशिप के अंदर नीचे रूल ही लिखा होता है कि अगर आप कोई दूसरी स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं करते हो तो ही ये स्कॉलरशिप के अंदर एलिजिबल हो, और मोस्ट प्रोबेबली ये रूल हर बार रहता ही रहता है। तो ये वीडियो मैक्सिमम फ्रेंड्स में शेयर करें, मिलते हैं ऐसे कोई नई अपडेट स्कॉलरशिप के वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।